नमस्ते शार्क्स, मैं प्रतिभा कनोई, 68 ईयर्स, फाउंडर ऑफ मॉमीज किचन। यह मेरे बेटे विकास और विशाल। मेरा जन्म बर्मा में हुआ और मैं कुछ सालों की पढ़ाई बैंकॉक में की, जहां मुझे इंटरनेशनल क्यूजीन का एक्सपोजर मिला। मैं बचपन से ही खाना खिलाने का और बनाने का शौक रखती थी। जब मेरी शादी 1974 में हुई, तब मेरे पति ने मुझे बिग साइज का ओवन गिफ्ट किया, जिसमें मैं थाली साइज के पिज्जा बनाती थी और मेरे परिवार को खिलाती थी, जो खाकर वाह-वाह करते थे और कहते थे, तुम इसका काम क्यों ना शुरू करती हो। 40 साल बाद मुझे मौका मिला। लॉकडाउन में मैं मेरे परिवार के लिए पिज्जा बनाई। फ्रॉम द डो टू द पनीर आई मेड एट होम। वो लोग खा के वाह-वाह करने लगे और इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने बोला, वाओ माँ, दिस इज अमेजिंग। माँ, जो बचपन से करना चाहती थी वो सेकेंड मई 2020 को साकार हुआ विद मॉमीज किचन। हम सर्व करते हैं फ्रेशली बेक्ड थिन क्रस्ट क्रिस्पी वेजिटेरियन पिज्जा, और इसकी खासियत यह है कि ये कई घंटों बाद भी क्रिस्प रहती है। हमें इतना ओवरवेलिंग रिस्पॉन्स मिला कि हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते गए, फ्रॉम मुंबई टू कलकत्ता एंड बेंगलुरु। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज मॉमीज किचन फैमिली में हमने 6,500 परिवारों को जोड़ा है। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी का भी और उनका परिवार भी हमारी मॉमीज किचन में शामिल है। तो शार्क्स, हम 90 लाख के बदले 3% इक्विटी देकर आपको अपने परिवार का में शामिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रतिमा जी, आपका तो बहुत बहुत ज्यादा ही स्वागत है शार्क टैंक पे। आप 68 बिल्कुल लगती नहीं है, इतनी फिट और इतनी ब्यूटीफुल लग रही है आप। थैंक यू सो मच। कहीं ऐसा तो नहीं नविता जी की मम्मी एमकोर फार्मास्यूटिकल की कुछ दवाई ले रही है? पॉसिबली। आप तो इनके अभी तो ऑफर मिलेगा ही, आप बिग सिस्टर लग रही है। मेरे को थोड़ी एलर्जी है डेरी से, तो जनरली मैं पिज्जा नहीं खा सकता हूँ, एंड आई लव पिज्जा। तो आज आपने ये खिला के मेरा एकदम ड्रीम पूरा कर दिया। थैंक यू। तो अभी आप लोग सब खाने में खाली पिज्जा ही खाते हो या कुछ और भी खाते हो? वीक में एक बार अलाउड है। तो अभी एवरी संडे नाइट वी हैव पिज्जा पार्टी एट होम। ओह नाइस। तो थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं। ये सेगमेंट तो यार एक कंपनी डोमिनेट करती है, डोमिनोज। जो कंसिस्टेंसी है अक्रॉस सिटीज और अक्रॉस आउटलेट्स, आप कहीं से भी डोमिनोज का पिज्जा मंगाइए, आपको सेम एक्सपेक्टेड टेस्ट मिलता है। आपका विजन क्या है? आपको एक आर्टिजनल पिज्जा की तरफ जाना है, या आप भी QSR की तरह बड़े आउटलेट्स खोल के इसको पैन इंडिया लेके जाना चाहते हैं? ये हम इसे पैन इंडिया विद मल्टीपल क्लाउड किचन्स एंड टेक अवे जॉइंट्स खोलना चाहते हैं इसका। तो अभी आपके कितने आउटलेट हैं? अभी हमारे बॉम्बे, कलकत्ता एंड बेंगलोर में तीनों क्लाउड किचन्स हैं, जो तीनों हमारे कंट्रोल में हैं अभी। और माँ ने इसे इतना स्टैंडर्डाइज बनाया है कि जो भी अब हमारे मम्मी के जो असिस्टेंट्स हैं, जो बनाने वाले टीम, उनको अपना दिमाग नहीं लगाना है खुद का, उन्हें उतना ही दिमाग लगाना है जितना माँ ने बताया है। आप जो हमारे जो बॉम्बे में खाएं या कलकत्ता में खाएं या बेंगलोर में खाएं, वो सब बोलते हैं कि इट्स द सेम टेस्ट, देयर इज नो चेंजेस, बिकॉज वेयर एवर यू ईट इट विल बी सेम। और आप जो सेल करते हैं कहाँ से? जोमेटो स्विगी पे करते हैं? वी आर टेकिंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। व्हाई नॉट जोमेटो स्विगी? अब हम उसको करेंगे। आपने कस्टमर कैसे ढूंढे? पहला कस्टमर ढूंढना ना किसी भी सेल्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, जब मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई भाभी फ्रेंड्स हैं, माउथ टू माउथ स्प्रेड होता है। हमने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया। बट रेफरल मार्केटिंग से आपने सबसे ज्यादा करा? अभी तक कोई कंपनी को हायर नहीं किया फॉर मार्केटिंग। तो आपका बिजनेस जो है, जैसे आपने 3 जगहों में खोला, उनसे टोटल कितना बिजनेस होता है अभी आपका? अभी हमने तीनों सिटीज का मिला के आज तक हमारे 18 मंथ्स कंसेप्शन में वी हैव डन अ बिजनेस ऑफ 1 crore 15 lakhs। कोई स्पेशल होता है कि एक से ज्यादा आता है या सब जगहों का एवरेज करेंगे तो 6.5 lakh हो रहा है? हाँ। तो पिछले महीने अक्टूबर में हमने जैसे 4.5 lakh का बिजनेस किया तीनों सिटीज में। 2.5 lakh अगर बॉम्बे ने किया है तो 2.25 lakh कलकत्ता ने किया है, 50,000 बेंगलोर ने किया। अच्छा, और एक क्लाउड किचन चलाने में आपका खर्चा कितना आता है? ऑल द 3 क्लाउड किचन्स आर करंटली इन आवर हाउस। बॉम्बे में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी देयर, सो वी नीड टू गेट ओनली द कपल ऑफ थिंग्स इक्विपमेंट्स। एंड कलकत्ता में भी हमारा खुद का है, तो वहाँ भी हमारे पास सेटअप था। बैंगलोर में हमारी सिस्टर ने स्टार्ट किया है, तो वहाँ भी सेटअप था, सिर्फ मशीन और सब लाने पड़े। फैमिली बिजनेस है। फैमिली ने पहले ऑर्डर दिए, फैमिली ने क्लाउड किचन खोली,
सही किया है राइट, क्योंकि सबसे इजी काम होता है पहले अपने लोगों को जोड़ लो फिर धीरे धीरे बाहर जाते हैं। बट इसमें एक नेगेटिव भी थोड़ा सा ये होता है कि आपको अभी मॉडल की इकोनॉमिक्स नहीं पता कि अगर आप कहीं बाहर खुलने जाओगे तो वो कितने का खुलेगा। सर सब मालूम है, बताओ अगर हम आज बाहर क्लाउड किचन खोलते हैं तो इट विल कॉस्ट मी 10,80,000 मशीन वगैरह सब इंक्लूड करके टोटल क्लाउड किचन। इसमें बिजनेस बड़ा कैसे बनेगा? आप अभी भी ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि आप Zomato Swiggy पे क्यों नहीं बेच रहे हैं। दे चार्ज 28% दुनिया दे रही है, दुनिया दे रही है, पर दे आर कवरिंग ओनली 6 किलोमीटर रेडियस एंड फ्रॉम अंधेरी हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं पेंसी रोड कब करे, वो तो आएंगे ही ना। वी वॉन्टेड टू डू इट, द रीजन वाई कि हम आज वहाँ पर करने लगे और हमें ऑर्डर स्लो होने लगेगा। कहीं आपको डर नहीं लगता कि अगर ऑर्डर आगे मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँ? नहीं 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 ऐसा नहीं। चलिए मैं आपको अपना डिसीजन बताता हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि आप एक अच्छा क्लोजली नेट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। अगर कोई आज में आके मेरे को बोलता मैं क्लाउड किचन कर रहा हूँ, मेरा पहला सवाल होता है आप Zomato Swiggy पे कितना बेचते हैं? आप बोल रहे हम बेचते ही नहीं है, ठीक है, मेरे को उसमें लॉजिक नहीं समझ आ रहा, मेरे को इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लगता, तो मैं इससे आउट हूँ। ये आप कह रहे हो कि आपका सालाना सेल है 1.15 करोड़ राइट, लेकिन आपने ये भी कहा कि अक्टूबर में आपकी 4.5 लाख रुपए की सेल राइट, तो ये आंकड़े बैठे नहीं। नहीं मैंने अक्टूबर महीना आपको बताया, कहीं पर हमारी सेल 7 लाख भी हुआ है, कहीं 9 लाख भी हुआ है। नहीं तो ऐसा क्यों होता है ये समझाइए। तो आप बढ़ता ही रहना चाहिए, जैसा आपका टेस्ट है तो कभी कम हो ही नहीं सकता। जो मेन जब लॉकडाउन था ना तब हमारे बिजनेस 8 लाख 9 लाख 7 लाख उसके लिए आप किचन वहाँ पे डालिए ना। हाँ तो वही करना चाहते हैं सर, पर आप घर से बाहर नहीं निकल रहे ना, प्रॉब्लम ये। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो हसल करते हैं। हसल में क्या होता है ना कि खाना भी वो बनवा रहे हैं और डिलीवरी भी वो करवा रहे हैं और Zomato को भी वो संभाल लेते हैं, स्विगी को भी संभाल लेते हैं। आपका तो इतना बड़ा काम प्रतिभा जी ने संभाल लिया है कि प्रोडक्ट तो वो देख रही है, आपको तो दोनों को खाली एक चीज करनी थी कि डिलीवरी और उसकी एक्सपेंशन की बात करनी थी। आप दोनों को तो उसी पर दिमाग लगाना था और कुछ तो करना ही नहीं था। एक बात मैं समझाता हूँ आपको, अभी क्लाउड किचन का सारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर फैल रहा है, आपको 10 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं, आपको 1.5-2 लाख रुपए में यू आर रेडी टू गो विद द क्लाउड किचन, किसी और का इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, स्विगी खुद देगी आपको, Zomato खुद देगा आपको, रेस्टोरेंट से आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मेरे को लगता है आपका प्रोडक्ट तो अभी तक बेस्ट ही है जो मैंने आज तक टेस्ट किया है। सबसे बड़ा आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है ना कि अभी आप लिस्टेड ही नहीं है जहाँ से लोग ऑर्डर करते हैं, मुझे लगता है अभी आपको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए फिर इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहिए, इसीलिए मैं बाहर हूँ। मेरा डिसीजन है कि मैं आउट हूँ इसलिए कि अभी बहुत सारा काम बाकी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्केल के लिए करा जा सकता है, लेकिन एट दिस पॉइंट आप वो बेसिक्स पे फोकस कीजिए और फिर मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप एक दूसरा रास्ता बना सकते हैं, इसको धीरे धीरे भी बढ़ा सकते हैं, एक बार एक हद तक पहुंच गए जहां आपको लगता है कॉन्फिडेंस आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए, मार्केटिंग समझ गए, उस टाइम आप सोचिए फंडिंग लेनी है कि नहीं, अभी वो बात नहीं है, इसलिए मैं आज आउट हूँ, लेकिन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू द बेस्ट। चारों शाख आउट है, मेरे को ना अपनी मम्मी की भी याद आ रही है इसको देख देख के, और मुझे ऐसे देख कर ना मुझे धर देती थी अगर मैं जब ठीक से काम नहीं करता था ना, एक दो लगाए उससे ना मुझे लगा कि मैं ठीक बंदा बन गया, मुझे लगा आपको लगा ही नहीं है इन्होंने, अगर वो ठीक कर रहा है कभी नहीं, ये बहुत स्वीट सी लग रही है। तो मुझे यही प्रॉब्लम लग रही है कि आपको अगर बचपन में जो गलती करी है ना वो इनको वो ठीक करके ना अगर आप वो एग्जीक्यूशन कर लेते ना सर तो हम सब बहुत एक्साइटेड होते। क्लाउड किचन फ्यूचर है इंडिया का, पर क्लाउड किचन आप करना चाहते हो कर लो और ये फिर आओ आप शार्क टैंक में, और प्रतिभा जी हमसे पूछेंगे अपने 2-3 ठीक है लगाए नहीं लगाए, ठीक है अभी के लिए हम 5 आउट है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
too good. Product बहुत अच्छा है. And I agree with you. It's so crisp. अब खा लेते हैं. Thank you.